जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है पर्युषण महापर्व। पर्युषण पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। श्वेतांबर जैन इसे 8 दिन के लिए मनाते हैं, तो वहीं दिगंबर जैन के लिए इसे 10 दिनों के लिए मनाते हैं। यह पर्व अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है और अनंत चतुर्दशी को जैन लोग संवत्सरी कहते हैं। दिगंबर संप्रदाय के लोग 10 दिन तक पर्युषण मनाते हैं, जिसे दशलक्षण पर्व भी कहा जाता है। पर्युषण पर्व का आरंभ 31 अगस्त 2024 से होगा। पर्युषण पर्व की समाप्ति 8 सितंबर 2024 को होनी है। जैन पंथ में अहिंसा एवं आत्मा की शुद्धि को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। जैन धर्म में प्रतिक्रमण एक कर्म है, जिसमें पूर्वकृत दोषों का मन, वचन और कर्म से कृतकारित किया जाता है, अर्थात अनुमोदना से विमोचन करना, पश्चाताप करना प्रतिक्रमण कहलाता है। इसे अनात्मक भाव विलय होकर आत्मभाव की जागृति होती है। इस पावन मास में आरकेशी ग्रुप की महिलाओं के द्वारा उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। बालों से राजेश चोपड़ा की खास रिपोर्ट। और लोकोत्तर पर्व इसलिए मनाते हैं ताकि दुख सदा सदा के लिए मिट जाए, और उसी के अंतर्गत ये महापर्व पर्युषण आते हैं, क्योंकि हमारे सभी दुखों का कारण है हमारे में भीतर रहा हुआ क्रोध या अक्षमा, और इसलिए ये पर्व क्षमा पर्व के नाम से, पर्युषण पर्व के नाम से प्रसिद्ध है कि इसके माध्यम से हम सभी जीव को क्षमा करते हैं और स्वयं की आत्मा को भी क्षमा करते हैं, क्योंकि हम अपने आत्मा को भी नफरत करते हैं और दूसरे जीवों से भी नफरत करते हैं। तो इस पर्व में 8 दिन दूसरे जीवों से नफरत मिटाने और स्वयं के प्रति भी नफरत मिटाकर दूसरों जीवों के प्रेम और स्वयं की आत्मा से प्रेम कर सके, ऐसी प्रेरणा, ऐसी सद्भावना इस पर्व के माध्यम से दी जाती है। क्योंकि बिना तप के ज्ञान नहीं चढ़ सकता, इसलिए अक्षय निधि तप, कषाय विजय तप, इस प्रकार से अनेक सारे तप, और कई लोग इसमें विशिष्ट उपवास भी करते हैं और कई पोषक भी करते हैं, जैसे साधु जैसे जीवन इन 8 दिनों में जीने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से विविध तप और विविध ज्ञान और विविध ध्यान इस तप में किया जाता है।